तो हम पढ़ रहे थे अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे थे, तो अब करेंगे राष्ट्रपति ट्रूमेन और अमेरिकी विदेश नीति की। राष्ट्रपति ट्रूमेन और अमेरिकी विदेश नीति की। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका के लिए जो विदेश नीति अपनाई थी उस विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रूमैन हुआ था तो इसने जैसे आगे ट्रूमैन सिद्धांत भी दिए हैं, तो ट्रूमैन ने कौन कौन सी अपने देश के लिए जो विदेश नीतियाँ अपनाई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली इन्होंने अपनाई थी सहयोग और अनुकूलन की नीति। पहली सहयोग की नीति, पहली नीति कौन सी कहोगे? ट्रूमैन ने पहली जो विदेश नीति अपनाई थी वो सहयोग की नीति अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? कि द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात चल रही है, के बाद शांति, विश्व में शांति स्थापना अनिवार्य हो गई थी। क्या हो गई थी भाई? शांति स्थापना और मित्र राष्ट्रों से सहयोग, मित्र राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग के कारण, पारस्परिक सहयोग के कारण। अब पूछ ले कि सेकंड वर्ल्ड वार था उसमें बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हुई थी, तो विश्व में शांति की आवश्यकता को महसूस करते हुए और उसके अलावा जो मित्र राष्ट्र थे उनसे सहयोग हासिल करने के लिए या सहयोग प्राप्त करने के लिए जो नीति अपनाई थी वो कौन सी थी? सहयोग की नीति थी। जैसे इसमें क्या था, ट्रूमैन ने क्या अपनाया कि जो देश हैं विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश तबाह हो चुके हैं वे पुनर्निर्माण कर सकें, पुनर्निर्माण कि पुनर्निर्माण के लिए सहयोग करना, कि जो देश मित्र राष्ट्र हो चाहे किसी भी संबंधित हो, जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नष्ट हो चुके हैं वो अपना क्या कर सके? पुनः स्थापना कर सके, पुनर्निर्माण कर सके, जिसमें क्या जरूरी है सभी देश मिलके क्या करें उसके पुनर्निर्माण के लिए सहयोग करें। तो यह नीति कौन लेके आता है? ट्रूमैन लेके आता है। इसके बाद यूरोप से अपनी सेना को हटाना, यूरोप से अपनी सेना को हटाना, सेना को हटाना कि अमेरिका ने क्या कर दिया था भाई, कि यूरोप से जो उनकी सेना थी उनको क्या कर दिया? हटा दिया। पूछ ले कि जर्मनी और उसके जो दोनों राष्ट्र थे, जर्मनी व उसके मित्र राष्ट्र से संधि पर बल देना, संधि करना कि जो जर्मनी जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ी महाशक्ति के तौर पे थी, या जर्मनी दूसरी राष्ट्रों के साथ मिलके इस युद्ध को लड़ रहा था, उस युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी और जर्मनी के जो सहयोगी देश हैं उनके साथ क्या करना? संधि करना। इसके अलावा पूछ ले कि सोवियत संघ ने सहयोग प्राप्त करने के लिए किससे? सोवियत संघ से, सोवियत संघ से सहयोग लेने के लिए, सहयोग प्राप्त करने के लिए कि सोवियत संघ से सहयोग प्राप्त करने के लिए शांति की नीति को अपनाना जरूरी था विश्व में। जैसे अमेरिका ने 2 वर्ष के अंदर ही, 2 वर्ष के अंदर जहाँ जहाँ सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए सेना भेजी हुई थी वहाँ से 20 लाख 1 करोड़, पूछ ले 20 लाख सैनिकों को घटाकर कितना कर दिया? 1 करोड़ 20 लाख सैनिकों को हटाकर वहाँ पे कितने सैनिक कर दिए? 15 लाख। कि सोवियत संघ से भी सहयोग की उम्मीद जरूरी थी, सहयोग प्राप्त लेना जरूरी था कि सोवियत संघ के बगैर विश्व की पुनर्स्थापना
नहीं हो सकती, जिस कारण अमेरिका ने सोवियत संघ को प्रभाव को रोकने के लिए जहां 1,20,00,000 सैनिक लगाए हुए थे उन सभी को हटा के कितने सैनिक कर दिए, 15,00,000 सैनिक कर दिए। तो ये सहयोग की नीति कौन लेके आता है, ट्रूमैन लेके आता है। क्यों लेके आता है, सीधी सी बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश अपना नुकसान कर चुके थे उन्हें पुनर्निर्माण के लिए लेके आता है, और विश्व के सभी देशों का एक दूसरे से सहयोग जरूरी था, और जो जर्मनी जैसे देश थे, जो विरोधी देश थे, उनके साथ भी संधि करना क्या थी, जरूरी थी, संधि के बगैर ऐसा नहीं हो सकता था। दूसरा, साम्यवाद के अवरोध की नीति। दूसरी, ट्रूमैन का क्या था, विदेश नीति, साम्यवाद के अवरोध की नीति, की नीति कि अमेरिका ने 1946 से ही कब से कि 1946 से ही अमेरिका ने साम्यवाद के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर दी गई, कि ट्रूमैन ने ऐसी नीति लेके आया कि 1946 से ही ट्रूमैन किसकी, साम्यवाद के प्रभाव को कम करना चाहता था, रोकना चाहता था। जैसे इराक, ईरान, तुर्की, जहाँ पे अमेरिका का प्रभाव था वहाँ पे दबाव किसका बन रहा था, लगातार इन देशों पे साम्यवाद का दबाव बन रहा था, दिन प्रतिदिन साम्यवाद का विस्तार बढ़ता जा रहा था। तो बात करें इस कारण वो साम्यवाद के अवरोध को रोकना चाहता था। जैसे बात करें कि 51% द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मैंने कहा था कि सैनिकों को हटाना, तो 51% सैनिक है वो साम्यवाद ने नहीं हटाए थे, कि 51% क्षेत्र से साम्यवाद जो विचारधारा थी वहाँ पे उनके सैनिक तैनात रहे, वहाँ से नहीं हटाए थे, जिस कारण क्या किया भाई कि 1946 में समझौता करके वहाँ पे साम्यवाद से छुटकारा दिलाना था। ईरान में साम्यवाद की सेना थी, किसकी सेना थी, साम्यवाद की, दबाव बन रहा था भाई उत्तरी ईरान में साम्यवाद की, वहाँ से उस सेना को भी हटाना था अमेरिका को, जिस कारण तुर्की है ईरान, इराक से अमेरिका क्या करता है, अमेरिका संधि करता है। क्यों करता है भाई, क्योंकि साम्यवाद के विरोध को रोकने के लिए, अवरोध के मार्ग को रोकने के लिए। तो दो नंबर की, जहां साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था दिन प्रतिदिन, इराक, ईरान, तुर्की जैसे देशों पे साम्यवाद का प्रभाव बढ़ चुका था, साम्यवाद का दबाव बढ़ रहा था, तो वहां से अमेरिका कह रहा है कि रूस को अपनी सेना हटा ले, लेकिन रूस अपनी सेना को नहीं हटाता है, तो उसके बाद वो इराक, ईरान, साम्य बात करें तुर्की के साथ अमेरिका संधि करना प्रारंभ कर देता है। फिर आगे वाली पूछ ले आपसे, ट्रूमैन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत। अब पूछ ले कि ट्रूमैन सिद्धांत किसने दिया था, तो ट्रूमैन सिद्धांत की बात करें कि क्या है, मैंने पहले ही कहा था इराक, ईरान और तुर्की, इन पे किसका प्रभाव बढ़ गया था, साम्यवाद का दबाव था, तो इनको साम्यवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, इराक, ईरान, तुर्की को साम्यवाद से मुक्ति दिलाने के लिए या साम्यवाद के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था भाई, ट्रूमैन ने आर्थिक सहायता दी इन देशों को, क्या दी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने आर्थिक सहायता दी थी, और यही आर्थिक सहायता क्या कहलाती है, यही ट्रूमैन सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ट्रूमैन सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि $25 करोड़ इन देशों को $25 करोड़
की सहायता देता है। अमेरिका क्या करता है, ट्रूमैन इन देशों को 25 करोड़ युआन डॉलर की सहायता देता है, 15 करोड़ डॉलर देने की सिफारिश की। क्या कि भाई तुर्की जो देश था, तुर्की देश को 15 करोड़ डॉलर देने की पेशकश की, सहायता देने की पेशकश की, और यही क्या बन गया भाई, ट्रूमैन सिद्धांत बन गया। इसी नीति के कारण साम्यवाद का प्रभाव यहाँ से क्या हो गया, कम हो गया। जैसे बात करें इराक, ईरान, तुर्की, इन देशों पे साम्यवादी प्रभाव था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रूमैन राष्ट्रपति ने आर्थिक सहायता की जो पेशकश की, आर्थिक सहायता जो थी वही ट्रूमैन सिद्धांत कहलाता है। जैसे 25 करोड़ युआन डॉलर देना, तुर्की को 15 करोड़ डॉलर देना, जिसकी वजह से साम्यवाद के प्रभाव को रोका जा सके और वो इस नीति में सफल भी हो सका, अमेरिका इस नीति में कामयाब हो सका और इन देशों से साम्यवाद का प्रभाव धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। फिर पूछ ले कि जो हमने ट्रूमैन सिद्धांत पढ़ा है इसका प्रभाव क्या था, ट्रूमैन सिद्धांत का प्रभाव क्या पड़ा, का प्रभाव। अब आपसे पूछ ले कि जो ट्रूमैन सिद्धांत है, इस ट्रूमैन सिद्धांत का प्रभाव क्या है, कि पहला था साम्यवाद के अवरोध का प्रथम चरण, कि साम्यवाद के अवरोध का क्या था भाई, ये प्रथम चरण था। पूछ ले क्योंकि इसमें साम्यवाद के प्रभाव को कम कर दिया था, कि साम्यवाद के रोकने के लिए जो रास्ता अपनाया था ट्रूमैन सिद्धांत, इस सिद्धांत से काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, कि साम्यवाद का विस्तार धीरे धीरे कम होने लगा। दूसरा पूछ ले कि दो नंबर, जैसे मुनरो सिद्धांत पूछ ले कहाँ था, तो पश्चिमी गोलार्ध में था, पश्चिमी गोलार्ध, और ट्रूमैन सिद्धांत पूर्वी गोलार्ध में था जो विश्वव्यापी है या विश्वव्यापी हो गया, कि मुनरो सिद्धांत पश्चिमी क्षेत्र में था, पश्चिमी गोलार्ध में था, ट्रूमैन सिद्धांत पूर्वी गोलार्ध में था, जो क्या हो गया, विश्वव्यापी प्रसिद्ध था। तीसरा कि रूजवेल्ट की विदेश नीति को पूर्ण रूप से त्यागना, कि रूजवेल्ट ने जो अमेरिका के साथ और सोवियत संघ के साथ मित्रता की नीति अपनाई थी, मैत्री नीति, उस मैत्री नीति का पूर्ण रूप से क्या करना था, ट्रूमैन सिद्धांत में त्याग करना था, कि सोवियत संघ के रूजवेल्ट ने अमेरिका से मैत्री संधि की थी, उस मैत्री संधि को ट्रूमैन सिद्धांत से पूर्ण रूप से त्याग करना था, निकालना था। चार नंबर, इस सिद्धांत से विश्व दो गुटों में बंट गया, कि ट्रूमैन सिद्धांत से विश्व कितने भागों में, कितने गुट बन गए, दो भागे बन गए। इसके बाद पूछ ले कि इस ट्रूमैन सिद्धांत से शीत युद्ध का उदय हुआ, कि इसी ट्रूमैन सिद्धांत से किसका उदय हुआ, शीत युद्ध का उदय हुआ था, शीत युद्ध का प्रारंभ कह सकते हो यह। और पूछ ले यह सिद्धांत
यह सिद्धांत सोवियत संघ के लिए चुनौती थी उसके विस्तार को लेकर। तो भाई ट्रूमैन सिद्धांत का विश्व में क्या प्रभाव पड़ा वो हम पढ़ने जा रहे थे। पहला कि साम्यवाद को रोकने का प्रथम चरण कौन सा है, ट्रूमैन सिद्धांत है कि साम्यवाद के प्रभाव को इस सिद्धांत में कुछ हद तक क्या कर दिया था, कम कर दिया था। दूसरा भाई सीधी सी बात है कि किसके विरुद्ध अपनाया जा रहा है ट्रूमैन सिद्धांत, पूछ ले आपसे किसके विरुद्ध अपनाया जा रहा है तो क्या कहोगे कि सोवियत संघ के विरुद्ध अपनाया जा रहा है। दूसरा मुनरो ने सिद्धांत दिया था पश्चिमी गोलार्ध में आर्थिक सहायता का और ट्रूमैन अपना पूर्वी गोलार्ध में आर्थिक सहायता कर रहा है, तो ये दोनों ही सिद्धांत क्या हो गए, विश्वव्यापी हो गए। तीसरा रूजवेल्ट की विदेश नीति को पूर्ण रूप से त्यागना, कि रूजवेल्ट की जो विदेश नीति है जो अपनाई थी अमेरिका के साथ मित्रता करने की, उसको इस सिद्धांत से छोड़ रहा है अमेरिका कि हम आपकी मैत्री संधि को नहीं मानते। इस सिद्धांत से यह तय हो गया कि विश्व अब कितने गुटों में बट गया, दो गुटों में, क्योंकि साम्यवाद को रोकने की कोशिश अमेरिका कर रहा है तो एक गुट साम्यवाद हो गया और एक गुट कौन सा हो गया, अमेरिका। इस सिद्धांत से यह भी निश्चित हो गया था कि अब क्या चलने वाला है, कोल्ड वार चलने वाला है, शीत युद्ध चलने वाला है। इस सिद्धांत में सोवियत संघ के लिए, यह सिद्धांत सोवियत संघ के लिए एक चुनौती बनकर साबित हुआ। क्यों हुआ भाई, आपसे पूछ ले तो कहोगे क्योंकि यह सोवियत संघ के विस्तार को रोक रहा था, सोवियत संघ के विस्तार को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था इसके कारण। फिर पूछ ले कि ट्रूमैन सिद्धांत की नीति की आलोचनाएं। अब देखो ट्रूमैन जो सिद्धांत है उस नीति की आलोचनाएं क्या थी। ट्रूमैन सिद्धांत की आलोचनाएं। ट्रूमैन सिद्धांत की आलोचनाएं पूछ ले। पहली यह साम्राज्यवाद का नया रूप था। क्या था भाई, सीधी सी बात है, पहले एक देश दूसरे देश पे हमला करके उस पर कब्जा स्थापित करता था और ये एक ऐसा नया रूप था कि अपने देश का विस्तार किया जा सके, आर्थिक सहयोग करके अपने देश का विस्तार करना, इसका मतलब कि अपने देश का विस्तार हो रहा है। तो यह एक साम्राज्यवाद का रूप था कि अपने देश का विस्तार करना, आर्थिक मदद करके अपने देश का प्रभाव बढ़ाना और डॉलर कूटनीति के नाम से जाना जाता है। जाता है कि सीधी सी बात है कि अमेरिका डॉलर की सहायता कर रहा है तो अपनी जो राजनीतिक है कूटनीति है उसमें डॉलर को लेके आ गया, तो डॉलर कूटनीति के नाम से जाना गया, आलोचना की गई। तीसरा अमेरिका स्वतंत्रता के नाम पर डोंग करता था, मतलब कि अमेरिका विदेशों को स्वतंत्रता दिलाने के नाम से, उन्हें आज़ादी के नाम दिलाने के नाम से आर्थिक मदद करता है, यह उनका क्या था, दिखावा था। क्या था भाई, विश्व को दिखावा था ओनली। अमेरिका ऊपर से दिखावा अलग था और अंदर से काम उनके अलग थे, तो क्या करता था, डोंग करता था। पूछ ले ट्रूमैन जनतंत्र नहीं बल्कि जनतंत्र के नाम से तेल की रक्षा कर रहा था, कि ट्रूमैन जो जनतंत्र की रक्षा नहीं कर रहा था बल्कि जनतंत्र के नाम से किसकी रक्षा कर रहा था,
तेल की रक्षा कर रहा था। पांचवा, यदि रूसी या रूस का रूसी रूसियों का इराक पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है स्थापित हो जाता तो विश्व का शक्ति संतुलन बिगड़ जाता शक्ति संतुलन बिगड़ जाता। कि आलोचनाएं कौन कौन सी है, देखो कि ट्रूमैन सिद्धांत की आलोचनाएं पूछ ले आपसे तो क्या कहोगे ट्रूमैन सिद्धांत की, कि साम्राज्यवाद करने या अपने देश का क्या करना था, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना था। दूसरा, डॉलर कूटनीति के नाम से, क्योंकि किस में आर्थिक मदद की थी, डॉलर के नाम से मदद की थी तो डॉलर कूटनीति के नाम से जाना जाता। तीसरा पूछ ले, अमेरिका देशों को आज़ादी दिलवाने के नाम से, स्वतंत्रता दिलाने के नाम से दिखावा करता था। ट्रूमैन जनतंत्र का नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था इराक ईरान पे प्रभाव किसका बढ़ रहा था, साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, दबाव नियंत्रण, तो उसको आज़ादी के नाम से जनतंत्र के नाम से क्या कर रहा था, वहाँ पे क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है, तो उन अपने उस क्षेत्र में तेल की रक्षा कर रहा था ताकि किसको मिल सके तेल, अमेरिका को मिल सके। फिर यदि रूसियों का ईरान इराक पे कब्जा हो जाता तो तेल है या फिर खनिज जो संसाधन पाए जाते हैं वो किसके हिस्से में चले जाते, रूस के, और अमेरिका क्या हो जाता भाई, रूस का प्रभाव बढ़ जाता और अमेरिका आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाता, उन्हें जो मदद चाहिए थी वो क्या हो जाती, समाप्त हो जाती, जिस कारण अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस का वहाँ पे प्रभाव हो, साम्यवाद का वहाँ पे प्रभाव बढ़े। तो ये ट्रूमैन सिद्धांत की क्या थी आलोचनाएँ। फिर पूछ ले आगे वाली, हम पढ़ेंगे सैनिक संधियों की नीति, सैनिक संधियों के बारे में जानेंगे कि सैनिक संधियां कौन कौन सी अपनाई थी ट्रूमैन ने, उनका अध्ययन करेंगे।